देखा, मैंने कहा था ना मेरी वीडियो ना देखो, खर्चा पड़ जाने आप लोग को। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। पहले तुसी मैनू ए गल दसो, बहुत कम चीजें होती हैं जो जब तक मैं आप लोग को ना बताऊं आप लोग को उसका पता नहीं चलता, लेकिन कल जब मैंने इस ट्यूब की पिक्चर लगाई इतनी आवाम ने कहा हम ऑलरेडी यूज करें। इतना कितना आ सकते हैं? मेरी रिकमेंडेशन तो पहले पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, मैं ही लेट हो गई हूँ। ये देखें आप लोग, ये मैसेज देखें, ये देखें, ये भी देखें। कमाल हो गई है जी, कमाल हो गई है। चले जी, अब मैं आप लोग को आज रिकमेंड करूंगी नाइट क्रीम। पहले जब मैंने रिकमेंड की थी आप लोगों को याद है, फेयर एंड पिंक रिकमेंड की थी, लेकिन उसका फॉर्मूला ही उन्होंने चेंज कर दिया, उससे फर्क ही नहीं पड़ता था। उसके बाद से मुझे ये टक्कर की क्रीम मिली है, मैं कहती हूँ जबरदस्त। चले जी, वीडियो शुरू करते हैं, बारी बारी में आप लोग को उनकी चीजें दिखाती हूँ। एक चीज में थोड़ा सा मुझे इशू भी है इनकी, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। चले जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी मैं आप लोगों को इस ब्रांड का नाम बताती हूँ। इस ब्रांड का नाम है जी रजा। इस ब्रांड को जी डर्मेटोलॉजिस्ट ने प्रूफ किया हुआ है, सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, कोई मर्करी कोई स्टीरॉयड्स नहीं है। अगर आप लोग की पतली से पतली भी स्किन है आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग इतनी फॉर्मूला क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी पतली स्किन हो जाती है, और कुछ भी अप्लाई करें तो जलन होती है, इससे जलन बिल्कुल भी नहीं होगी। ये मेरी सेकेंड ट्यूब है, फर्स्ट ट्यूब तो मैंने खत्म कर दी, देखो बिल्कुल फ्रेश पीस मैंने निकाल के लाई हूँ। अच्छा, दूसरी जो प्रोडक्ट है इनका है जी ये ब्राइटनिंग सीरम, तीसरा है जी इनका ब्राइटनिंग फेस वॉश। बारी बारी बात करते हैं, सबसे पहले इसको मैं बताती हूँ आप लोगों ने इस्तेमाल किस तरह करना है। सबसे पहले जी मैं आप लोगों को इस ब्राइटनिंग क्रीम के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, आप लोगों को पढ़ते सारी आइडिया हो जाएगा कितनी पढ़ी लिखी क्रीम है ये। कोजिक एसिड इसके अंदर है, नायसेनेमाइड है, ग्लूटाथायोन है, अल्फा अरब्यूटिन है, एलोरोनिक एसिड है फॉर रेडियंट एंड ग्लोइंग स्किन। इसका फॉर्मूला इतना कोई जबरदस्त है, ये देखिए अच्छा जी, अगर आप लोग की ऑयली स्किन है आप लोगों ने डायरेक्ट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। पी साइड अमाउंट लेनी है, आंख के नीचे भी, आंख के ऊपर भी, सारा कुछ ठीक हो गया अगर आप लोग की ऑयली है। अगर आप लोग की एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है आप लोगों ने क्या करना है, नाइट क्रीम ली, इसके अंदर एक ड्रॉप मॉइस्चराइजर ऐड करना है, इसको मिक्स करना है और आपने अप्लाई कर देना है। एक बात जी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जितनी भी नाइट क्रीम्स होती हैं कभी भी बिल्कुल ड्राई फेस पे नहीं लगाते, आप लोगों को रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। जिस तरह फेशियल को हम करते हैं पानी लगा लगा के एक्टिवेट करते हैं, नाइट क्रीम का भी यही हिसाब होता है। जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है उसने पहले मॉइस्चराइजर लगा लेना है, बाद में नाइट क्रीम लगा ले, या मॉइस्चराइजर को नाइट क्रीम के साथ मिक्स करके लगा लो। हल्की सी स्किन ग्लाइड करनी चाहिए, बिल्कुल भी रेगिस्तान के ऊपर हमने नाइट क्रीम नहीं लगानी, फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप लोग लगाते रहेंगे। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं हमें रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट तो इसलिए नहीं मिला तो सही तरह कर दे नहीं पाए, तो सही तरह करो तो रिजल्ट की तो सारा कुछ लगेगा तुम्हें, और लोग भी आप लोग को कहेंगे आप लोग की स्किन बड़ी अच्छी हुई है। ये प्रोडक्ट को सही इस्तेमाल करें, जितनी भी नाइट क्रीम्स है उसको कभी भी सूखे हुए मुंह पे नहीं लगानी, हल्का सा मॉइस्चराइज कर लें मुंह, 5 मिनट वेट करके नाइट क्रीम लगा लें, या नाइट क्रीम के अंदर एक कतरा मॉइस्चराइजर का ऐड करके फिर लगा लें, या जब मुंह धोते हैं अच्छी तरह साफ कर लें तो लाइट लाइट सा ना हल्का हल्का गीला होता है उसके ऊपर नाइट क्रीम लगाएं। अब चलते हैं जी इनके फेस वॉश की तरह, ये प्रोवाइड क्या क्या करता है। 100 ml की इतनी बड़ी बॉटल है, अगर आप लोग एक दफा ले लेंगे आप लोग की खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ एक एक कतरा इस्तेमाल करना है। इसका फॉर्मूला आप लोग पहले चेक करवाती हूँ, ये देखिए किस तरह शाइनी फॉर्मूला है, और इसी तरह आपकी स्किन पे ना ग्लो लेके आता है। इसका फॉर्मूला बहुत माइल्ड है, और कुछ फेस वॉश होता है जो मुंह पे चिपक ही जाते हैं, उतरते ही नहीं है। इसका फॉर्मूला इतना अच्छा है, रुई की तरह लगता है और रुई की तरह ही उतर जाता है। सबसे अच्छी मुझे इसकी ये बात लगी है, चिपका नहीं रहता मुंह पे, देखिए शाइन आ रही है ना, इसी तरह मुंह पे शाइन लेके आता है। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, थोड़ी थोड़ी साबुन जैसी है लेकिन अच्छी बहुत है। अब पढ़ते हैं जी हमें प्रोवाइड क्या क्या करता है, फिर साथ साथ मैं आप लोगों को रिव्यू देती हूँ। फ्लॉलेस स्किन, वाकई फ्लॉलेस स्किन करता है, इससे ना एकदम आप लोगों को ब्राइटनेस का एहसास होता है। कुछ फेस वॉश होते हैं महीना इस्तेमाल करो फिर रिजल्ट पता चलता है, ये आप लोग एक या दो इस्तेमाल के बाद ही ना अपना आप लोग फेस देखेंगे एकदम बल्ब वाला ग्लो देता है। दूसरे ना लिखा हुआ है जी स्पॉटलेस फेयरनेस, अच्छा फेयरनेस ये देता है लेकिन स्पॉटलेस
अभी इतना नहीं करता क्योंकि आप लोग को 2 महीने रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ता है स्पॉट्स को बिल्कुल खत्म करने के लिए. स्पॉट्स इतने डीट होते हैं आसानी से नहीं जाते. ये खत्म करेगा स्पॉट्स को लेकिन यूं करके नहीं खत्म करेगा. ठीक है, दूसरा है जी रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन, ये भी हो गया. फॉर ऑल स्किन टाइप ठीक है जी, जब ये ड्राई होती है तो भी बड़ा बेहतरीन काम कर रहा होता है, जब होती है कॉम्बिनेशन तो भी बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है. पैराबिन फ्री और इसमें कोई केमिकल नहीं है. पैकिंग बहुत अच्छी है, 100 ml की बॉटल है, इस तरह पंप में है. ये देखिए बहुत जबरदस्त. अब चलते हैं इनके तीसरे प्रोडक्ट की तरफ. उसके बाद है जी ब्राइटनिंग सीरम. सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं. ये देखिए ये इसका फॉर्मूला है. बहुत रनी नहीं है, बहुत थिक नहीं है, बड़ा अच्छा इसका फॉर्मूला है. अच्छा, इसको मैंने किस तरह इस्तेमाल करके देखा है. इसको मैंने मॉइस्चराइजर के अंदर इस्तेमाल करके भी देखा है, इसको मैंने इनकी क्रीम के अंदर भी इस्तेमाल करके देखा है, इसको मैंने कोई भी मॉइस्चराइजर होना जो मैंने पैरों पे अप्लाई करना होता है 2 कतरे वहां भी अप्लाई करके देखा है. हर तरीके से बहुत अच्छा इससे रिजल्ट देता है. अभी तो अच्छा फेस वॉश लगा हुआ था, मैं अभी कौन सा क्यों बन रही है. बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसका और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है. अब जी चलते हैं. जो चीज मुझे इनकी पसंद नहीं है, एक प्रोडक्ट की सिर्फ पैकिंग, जो ये है ना हेयर ग्रोथ स्प्रे. मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी रजा वालों, इसकी जरा पैकिंग अच्छी कर दें. इसकी मुझे पैकिंग नहीं अच्छी लगी. इसके अंदर जो फॉर्मूला है ना जबरदस्त है, लेकिन इसकी पैकिंग की वजह से मैं आप लोगों को बता नहीं रही हूँ, क्योंकि फिर जो मुझे मसले हुए ना, फिर बाकी मेरी ऑडियंस को मसले ना हो. ये देखें ये लीक होता है, इसको जितना मर्जी टाइट बंद कर दो ये लीक होता ही रहता है. ये देखें, और ये नहीं कि मैंने एक बॉटल के बाद ही कर लिया, ये मेरी दूसरी बॉटल है, दूसरी बॉटल भी ऐसे लीक हो रही है. चलें जी, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे. तो हैं जी फाइनल रिव्यू की तरफ. अगर आप लोगों ने सिर्फ एक चीज लेनी है तो आप लोग ये नाइट क्रीम लेंगे. अगर आप लोगों ने 2 चीजें लेनी है तो आप लोग फेस वॉश लेंगे. और ये दोनों चीजें मैं आप लोग को रिकमेंड भी करती हूँ. इस ब्रांड की आप लोग ट्राई करें, आप लोग को लाजमी रिजल्ट भी मिलेंगे और आप लोग को अच्छे भी बहुत लगेंगे. आप लोग स्किन ग्लो भी बहुत करेगी, सर्दी में ड्राइनेस भी नहीं होगी. अगर फिर भी ड्राइनेस एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो इसको मॉइस्चराइजर के अंदर थोड़ा मिक्स करके लगाएंगे. पहले मॉइस्चराइजर लगा ले, बाद में ये लगाएं. ठीक है, जिनकी शादी होने वाली है उनको तो चाहिए पूरा बंडल ही ले, खर्चा कराए अम्मी अब्बा का, कोई बात नहीं. ये देखो ये तीनों चीजें बहुत अच्छी हैं और ये तो 2 कुछ ज्यादा ही अच्छी हैं. चले जी वीडियो को एंड करते हैं. जिस जिसने चीजें खरीदनी है वो डायरेक्ट लिंक पे चला जाए. देखा मैंने कहा था ना मेरी वीडियो ना देखो, खर्चा पड़ जाने आप लोग को. एक मैं खुद इस्तेमाल करने से चीजें बाज नहीं आती, फिर आके आप लोगों को बताने से बाज नहीं आती, और आप लोग देखने से बाज नहीं आते, बड़ी गलत बात है. चले जी, आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, चीजें बहुत अच्छी हैं. जो मैं आप लोग को रिकमेंड करती हूँ खुद टेस्ट करके, खुद तसल्ली करके, ब्रांड से प्रॉपर बातचीत करके फिर मैं वीडियो बनाती हूँ. और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, जो आप लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, जो ये यूज करें ना, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करें ताकि सब पढ़े. ओके जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, बच्चों को प्यार करें, बड़ों को भी प्यार करें, और अल्लाह सबको खुश रखे. अल्लाह हाफिज़.